सो हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से आपके सामने कुछ नया कंटेंट लेके आया थार का। थार के अंदर भाई कंप्लीट मॉडिफिकेशन है इस बार की, जो एक बेसिक से तो ऊपर ही है, मतलब बेसिक से वो बहुत ऊपर है, क्योंकि भाई लुक वाइज बहुत बढ़िया काम हो रहा है बाहर से लेके अंदर तक का। जैसे कि देख सकते हैं भाई, हेडलाइट में यहाँ पे रैंगलर हेडलाइट है, प्रॉपर वर्किंग मिल जाएगी रिंग के अंदर। ये आपकी रिंग वाली DRL है आपकी, एंड भाई इसका जो रिस्पॉन्स होगा रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको इंडिकेटर ऑप्शन मिलता है, साथ साथ जो आपके DRL है इसके अंदर भी आपको मैट्रिक्स में इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, बहुत अच्छी लुक मिल जाती है। एक बार मैं आपको इंडिकेटर ऑन कर दिखा दूँ क्या कुछ आपको लुक मिलता है इंडिकेटर ऑन करने के बाद। तो भाई ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा इंडिकेटर वर्किंग, हेडलाइट में भी और DRL के अंदर भी। पूरी ग्रिल अपग्रेड कर दिया ग्लॉसी के अंदर, साथ साथ रेड कलर का यहाँ पे आपको फ्रेम देखने मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा एक लुक एनहेंस करते है गाड़ी की। बाकी इसके अलावा भाई यहाँ पे देखिए बम्पर में काम चला है, बम्पर के अंदर हमारी प्रॉपर फिटिंग विटिंग हो रही है हमारी प्रोजेक्टर्स की। तो भाई प्रोजेक्टर वर्क करने है, भाई प्रोजेक्टर दिखा जरा। तो भाई देखिए, ये कुछ आपका प्रोजेक्टर लैंप रहने वाला है, सिर्फ प्रोजेक्टर है, खाली प्रोजेक्टर। एंड इसके अंदर भाई आप LED अपग्रेड करवा सकते हैं, जैसे भाई LED का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, मतलब 180 150 वाट 200 वाट जो आपको अच्छे लगे वो यहाँ पे आप करवा सकते हैं। प्रॉपर फिटिंग प्रॉपर वर्किंग मिल जाएगी। ये आपका फ्रंट का बम्पर है इसके अंदर भाई काम कर रहे हैं भाई। एंड अगर बात की भाई इसके अंदर और क्या कुछ हो रहा है, तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑफ रोड वाला यहाँ पे बल्ब मिल जाएगा, जो भाई ग्लोइंग करता है आपके इंडिकेटर देने पे। एंड अंदर की तरफ बात किया तो अंदर क्या कुछ हो रहा है, तो भाई अंदर भी अच्छे खासे अपग्रेड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि भाई एम्बिएंट वर्क K4 में आना है, प्रॉपर देखिए कलर वर्किंग रहेगा, कलर आपको चेंज दिखता रहेगा इसके अंदर भाई K4 में आना है आपकी रनिंग कलर्स में। एंड अगर बात की इसके अंदर भाई कितने पीस है, तो भाई 18 पीस का अवेलेबल मिलता है। बाकी AC वेंट अपग्रेड का ऑप्शन है, AC वेंट अपग्रेड होने वाला है यहाँ पे। उसके साथ साथ भाई रूफ पे काम चल रहा है। भाई रूफ पे क्या हो रहा है, छत में लग रहा है छत लगेगी पूरी? ठीक पूरी। है, तो भाई छत भी लगने वाले, पीछे कपड़ा रखा हुआ है छत का, देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक कलर का लेदर रहने वाला है, रेड कलर की स्टिचिंग रहने वाली है। बाकी बात की जाए भाई इसके अंदर और क्या कुछ अपग्रेड, तो भाई फुल्ली बेसिक अपग्रेडेशन आपको देखने मिल जाएगी, और ये सारा काम होगा निकोकार डेकोर पे। तो जैसे ही गाड़ी कंप्लीट होती है मैं दिखा दूँ क्या कुछ अपग्रेड है। बाकी पीछे की तरफ टेल लाइट वगैरह में काम चलेगा, टेल लाइट अपग्रेड की जाएगी, जो स्टॉक में आई थी ये स्टॉक निकाल दिया गया। एंड भाई जो चेंज करने जा रहा भाई S के अंदर चेंज करेंगे, S वाली में, जो कि आपके सामने कुछ देख रहती है। तो भाई इसमें इंडिकेटर ऑप्शन, ब्रेक ऑप्शन और आपका पार्किंग फीचर दोनों तीनों अवेलेबल रहता है। बाकी भाई ये कुछ काम चल रहा है, काम कम्प्लीट होता है दिखा दो क्या कुछ अपग्रेड आपको देखने को मिलता है। तो भाई वो फाइनली सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, और ये सारा काम है निकू भाई के अंदर। निकू भाई कैसे हो? बढ़िया। तो आज थार दिखाई थी आपने, दिखाया थार में कुछ करने वाले थे, क्या करा इसमें? मेरे पास थार हरियाणा HR नंबर हरियाणा से आया हुआ था जी, ब्लैक कलर की गाड़ी। हाँ जी, उसको फुल्ली मॉडिफिकेशन जिसको बोलते हैं ना, जो थार वादने वाला, जो थार का लोवर है जी, जैसे ऑफ रोडिंग कुछ भी गाड़ी लेते हैं थार के लिए। हाँ जी, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें हमने इसमें नहीं किया। अच्छा, तो क्या क्या और लुक देखो, ब्लैक कलर की गाड़ी है, बिना लाइट जले हुए का लुक देख लो अभी से। ये देखो भाई हल्का रेड का टच दिया हुआ है इसके अंदर, ब्लैक फुल रहने वाला है भाई, रेड टच बहुत प्यारा लग रहा है इसके अंदर। मेनली भाई चाहिए होते तो भाई बंदों को ऐसी लुक चाहिए होती है मोस्टली बात की। और इसमें जो हमने बम्पर लगाया ना जी, वो भी लोहे का है, कोई ABS का प्लास्टिक का नहीं है, लोहे का बम्पर है, आयरन मेड बम्पर आपका रहने वाला है। और अपने पास कम से कम 12 से 15 डिजाइन है बम्पर का। 12 से 15? हाँ बिल्कुल। लो भाई 12 से 15 डिजाइन है, तो जो इसका लुक देखोगे, अभी दिखाता हूँ लुक इसका, फ्रंट में लाइट चालू करके। ये देखो भाई ब्लूइश कलर में, ब्लूइश से व्हाइट हो चुका है। देखो भाई पहले आपका ब्लू था भाई, इसे लाने पर देखो कम्प्लीट DRL आपका ब्लू है, टर्न करके धीरे धीरे व्हाइट के अंदर। भाई बहुत अच्छी लुक यहाँ पे एनहांस की है, साथ साथ भाई बम्पर प्रोजेक्टर लगाए गए हमारे। बिल्कुल। और थ्रो देख सकते हो, थ्रो भाई अल्टीमेट थ्रो है। और ये भी नहीं है, इसके साथ जो हेडलाइट है ना जी, इंडिकेटर पर देखना भाई, भाई इंडिकेटर देना। तो भाई देखो इंडिकेटर पर दिखाते हैं, ये देखो जो भाई इसकी DRL है उसमें भी इंडिकेटर चल रहा है हेडलाइट की, और साथ में जो DRL उसमें भी आपका मैट्रिक्स के अंदर चल रहा है। भाई बहुत अच्छी लुक अरेंज की इसके अंदर। बाकी भैया हेडलाइट के यही ऑप्शन है, अलग ऑप्शन आते हैं? अरे हेडलाइट का कम से कम ना करते करते 20 ऑप्शन होता है आपके 20 ऑप्शन? हाँ बिल्कुल। लो भाई इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, तो जो आपको ग्रिल में भी अपने पास 3 से 4 ऑप्शन है, ग्रिल में 3 से 4 ऑप्शन है। ये कौन सी वाली ग्रिल, हमारी रैंगलर? हाँ बिल्कुल। तो भाई रैंगलर ग्रिल रहने वाली है, रेड कलर का टच दिया हुआ है इसके अंदर। ये पूरा हमारा ये अलग से पार्ट लगता है हमारा? बिल्कुल अलग से लगता है। अच्छा, ये पार्ट हमारा अलग से लगता है यहाँ पे। बाकी भाई लुक फ्रंट से बहुत ज्यादा एनहांस हो चुके हैं यहाँ पे। नीचे क्या लगाया हमने रेड कलर के अंदर, अंडर बॉडी किट बोलते हैं उसको, हाफ वाली फुल वाली नहीं, एक फुल भी आता है इसमें जो पूरा पर पूरा बॉडी का होता है। ठीक है, तो भाई देखो ये भी रेड कलर के साथ, क्योंकि रेड कलर का थीम देना था जी, तो रेड कलर के साथ लुक ब्लैक कलर पे कुछ ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, तो भाई लुक वाइज बहुत बढ़िया। बाकी आपके नीचे इंजन सेफ्टी के लिए भी बढ़िया चीज है ये। एंड अगर बात करें फ्रंट से, कुछ क्या साइड में क्या कुछ अपग्रेड है हमारा? फ्रंट में DRL चेंज किया था, हेडलाइट चेंज किया था, ग्रिल चेंज किया था, प्रोजेक्टर लगा दिया था, बम्पर चेंज कर दिया था, अंडर बॉडी किट लगा दिया था जी। ये फ्रंट का काम है अपना। ठीक है, साइड प्रोफाइल से बात करोगे तो साइड प्रोफाइल में ना सबसे पहले अपना हिंच है, हिंच जो रेड कलर का है। ये देखो भाई रेड कलर का हिंज आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जिनको चढ़ना है गाड़ी साफ करना है, इसमें वेट लेके हैवी है, चढ़ सकते हो। चढ़ के दिखाओगे? बिल्कुल। लो भाई ये भाई चढ़ गए हमारे, देखो
स्टन देख रहे हो भाई, स्टन पूरी फिटिंग पूरी गाड़ी लिए बट बिल्कुल नहीं निकले। एक क्विंटल वेट जिसमें होगा ना वो भी चढ़ सकता, कुछ भी नहीं होगा, तब भी कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। लो भाई इतनी बड़ी चीज लगा के दे दिए। बाकी भाई इस पे देखिए थार में एक मिरर फोल्डिंग का ऑप्शन होता है, आप करवा सकते हो, अपने पास अवेलेबल होता है। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई थार में ऑप्शन अवेलेबल मिरर फोल्डिंग का। इसके बाद वाइजर लगाया अपना, ठीक है ठीक है। इसके अलावा बैक साइड से बात करोगे, बंद करके चला रहे। अरे भाई बहुत अच्छी लुक लग रही है हमें पीछे, तो पीछे देखो भाई, पीछे पूरी बंद कर दो गाड़ी, बंद करके दिखाता हूँ पहले लुक क्या आता है। देखो भाई गाड़ी बंद कर ऐसे है, ठीक है। ऑन करता हूँ, ये देखो भाई रिफ्लेक्टर ऑन, टेल लाइट ऑन, और ऊपर आपका जो स्पॉइलर साइड होता है जी वैगन स्टाइल स्पॉइलर। हाँ भाई बहुत बड़ा लुक लग रही है, देख सकते हैं भाई बहुत प्यारा एनिमेशन है इसके अंदर। अब बताओ भाई इनमें क्या क्या चीजें हैं, मतलब ऑप्शंस क्या क्या, क्या क्या वेरिएशन है सारे में। बैक लाइट में 5-6 डिजाइन है, रिफ्लेक्टर में 5-6 डिजाइन है, ठीक है। उसमें भी 2 डिजाइन है, ये देखो भाई इंडिकेटर में, मतलब पूरी गाड़ी में पीछे पूरा इंडिकेटर है, इस साइड का भी, इस साइड का भी, ऊपर का भी। हाँ। ऊपर मैट्रिक्स में, नीचे टेलर मैट्रिक्स में, और आपके रिफ्लेक्टर मैट्रिक्स अंदर वर्क कर रहा है। बाकी भाई एक बार ब्रेक लगाना, देखो भाई ये कुछ आपका ब्रेक का लुक है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ऊपर देख सकते हैं भाई इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाती है, रिफ्लेक्टर के अंदर बढ़ जाती है, टेल लाइट में भी इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो भैया 5-6 डिजाइन इनके अंदर आने वाले, बिल्कुल बिल्कुल। ये अपना पीछे का काम है जी गाड़ी का, ठीक है। इसके अलावा मेन जो काम है ना इंटीरियर का, मैं वो दिखाता हूँ, चलो अंदर लेके चलते हैं। तो निको भाई अंदर दिखाओ, अंदर क्या क्या अपग्रेड हमारे अंदर। सबसे पहला चीज जो है ना अपना सीट कवर जी, अपना सीट कवर जो है ना थाई सपोर्ट वाला है, ठीक है। ये देखो थाई सपोर्ट के साथ सीट कवर की सबसे बड़ी चीज होती है क्वालिटी कपड़े का जी, और फिटिंग कहीं से कोई रिंकल नहीं है, कोई बंदा बोल नहीं सकता कस्टमाइज सीट कवर नहीं है, कस्टमाइज सीट कवर हमने इसमें भाई, कस्टमाइज सीट का विद प्रॉपर फिटिंग भाई, फुल बकेट फिटिंग। और सीट कवर की जो क्वालिटी सॉफ्टनेस बोलती है, जो कपड़ा अच्छा होता है तो सॉफ्टनेस बोलती है। सीट कवर तो बहुत सस्ते भी आते हैं, बहुत अच्छे भी आते हैं जी, ठीक है। लेने के ऊपर होता है, बहुत हाई लेवल का सीट कवर है, ठीक है भाई। देखो कंफर्ट दिखा दूं, ये हमारा थाई सपोर्ट, उस पे कंफर्ट देखिए भाई, ये कुछ आपको कंफर्ट मिला भाई, मजेदार चीज है। जो सीट कवर में कंफर्ट हो वही सीट कवर बढ़िया है, जितना सॉफ्ट कपड़ा हो उतना सीट कवर बढ़िया है, जितना हार्ड कपड़ा हो उतना सीट कवर खराब होता है। लो भाई तो भाई कपड़ा तो बहुत सॉफ्ट है, कंफर्ट भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है, कंप्लीट देखिए बर्फी डिजाइन में रहने वाला है, एंड भाई फुल कंफर्टेबल है, मतलब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा कस्टमाइज रहने वाला है बिल्कुल। इसके अलावा देखो प्रॉपर आर्मरेस्ट है, पीएच वाली है, ये कंसोल हिल जाएगा, लेकिन आर्मरेस्ट खराब कभी नहीं हो सकता, तो भाई सॉफ्ट टच के साथ है, ठीक है भाई। स्पेस भी देख सकते हैं, स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, और सॉफ्ट टच देखिए भाई, ये आपको सॉफ्टनेस मिल गया। इसके अलावा ये सीट कवर का काम है, उसके ऊपर देखो छत अपना जो है एकदम हीट कवर डिजाइन में, हां हीट के चक्कर में जो हीट नहीं आए जी, देखो रूफ देखो सेम रेड धागे से स्टिच करके बनाया गया है, वो जैसे सीट कवर रेड धागा है। तो भाई आगे से लेके पीछे पूरी की पूरी आपको ऊपर देखने को मिलेगी रूफ, जो हमारी सीट कवर डिजाइन के अंदर रहने वाली है, सेम बफी डिजाइन है, क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया रहने वाली है, फिटमेंट आपकी सेम रहने वाली है, यहाँ पे भी कहीं से रिंकल या कटाफटा सिस्टम कहीं से नहीं है, प्रॉपर काम होता है यहाँ पे जी। वे ये तो कर दिया, और क्या कुछ बढ़िया दिखाओ, ये तो दिखा दे, मतलब बढ़िया लग रहा है ये भी। हाँ। लेकिन कुछ ऐसा चीज यूनिक सा, बंदे बैठे हैं तो गाड़ी में तो देखे बंदे क्या। देखो सबसे पहले एम्बिएंट लाइट देखो, ये देखो भाई एम्बिएंट लाइट भी लगा दी। हाँ ये थार के चमक रहा है, कौन सा वाली एम्बिएंट लाइट हमारी, ये प्रॉपर थार की एम्बिएंट लाइट है, थार के लिए बना है, किसी और गाड़ी में नहीं लग सकता, सिर्फ थार के लिए बना। एसी वेंट पे भी लाइट लगा दिया मैंने, ये देखो भाई एसी वेंट पे भी लाइट लाइट डिजाइन भी अच्छा खासा मिल रहा है यहाँ पे, कितने अवेलेबल होते हैं। कंट्रोल है, मोबाइल के ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हो, जितने फोन हो उतने में ऐप डाउनलोड करो, सब फोन से कंट्रोल होगा, सबसे हो जाएगा बिल्कुल। लो भाई बढ़िया चीज है, मतलब फुल्ली ऐप कंट्रोल रहने वाला है, आरजीबी के अंदर है भाई, और क्या ही चाहिए आपको, एमएल लाइट मिल गया जो भाई प्रॉपर थार के लिए, एसी वेंट में लाइट मिल गई इस पूरे फ्रेम में भी, और आपके इस साइड भी देख सकते हो जो आपका ये होता है आपका एडजस्टमेंट का, इस पे भी आपको लाइट मिल गई। बाकी अंदर से दिखाओ तो भाई यहाँ देख सकते हैं, इस वाले में भी सेम आपको मिलेगी, क्वालिटी आपको बढ़िया मिल जाती है, एंड भाई बहुत बढ़िया सिस्टम है, मतलब भाई बैठेगा तो मजा आ जाएगा बंदे को इसके अंदर बिल्कुल। और क्या कुछ है इसमें, इसमें जी मेन चीज होता है जो हर गाड़ी वाले को चाहिए, स्टीयरिंग रैप, कोई बता दे कि बाहर से स्टीयरिंग लगा हुआ है, स्टीयरिंग है, ये लो भाई कट बाइक कट फुल स्टीयरिंग है भाई जी भाई, देख सकते हो और भी जिगजैग धागे के साथ, वो लग नहीं रहा कहीं बाहर से करा हुआ था, कंपनी से ऐसा है डायरेक्ट बिल्कुल, जो लग रहा है कंपनी से टॉप मॉडल का भी स्टीयरिंग रैप नहीं आता। लो भाई बढ़िया काम आपको हमेशा पे मिलेगा, और भाई क्वालिटी वाइज बढ़िया है। अब ये बताओ कि भाई काम तो करते, डिस्काउंट डिस्काउंट है कुछ भाई साहब, थार लेके आओ और 40% डिस्काउंट लेके जाओ, 40% बिल्कुल। लो भाई 40% डिस्काउंट मिले, और क्या ही चाहिए इस थार के ऊपर, इसमें इतना बढ़िया बड़ा काम आपको मिल रहा है। बाकी अगर बात की इसमें क्या कुछ और हो सकता है भाई, इसमें अपने पास पूरा डिस्प्ले के साथ स्टूडियो आ सकता है, ओएम डिजाइन में, ओरिजिनल स्टूडियो ओएम डिजाइन में बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हो 6 इंच का डिस्प्ले है जी, या 7 मान लो, मैं आपको दूंगा 12 इंच का डिस्प्ले, अच्छा प्रॉपर डिजाइन में, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें ना चाहे, ये तो देखो बेस से ऊपर मॉडल था, अब बेस मॉडल लाओ, स्पीकर लो, मतलब बहुत सारा सामान, बेस हो चाहे टॉप वाला, थार वाले कोई भी भाई हो जी। अभी हमारे पास यहाँ पे ग्रैप हैंडल जिसको बोलते हैं, बहुत सारे सामान थार का है ऐसा कि आप मॉडिफिकेशन करवा दो, सिस्टम स्पीकर अपग्रेड करवा सकते हो, बम्पर अलग अलग करवा दो, पूरा पेंटेड का काम इंटीरियर करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो जी। थार
के अंदर ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो अपने पास अवेलेबल नहीं होता, सारा काम अवेलेबल है अपने पास। लो भाई सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल जाएगा भाई, काम भी बहुत बढ़िया, क्वालिटी बढ़िया, जेन्युइन चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाती है बिल्कुल। बाकी भाई आना कहाँ पे इस काम के लिए? ऐसे काम के लिए निक्कू का डेकोर 16/27 अब्दुल अजीज रोड, और फोन करके थार लेके आ रहे हो तो फोन करके भैया मैं थार लेके आ रहा हूँ, यहाँ तक कि जो आपने सोचा भी नहीं हो थार वाले भाई लोग जी वो सब लगा के दूंगा। चलो भाई बढ़िया चीज है ये। बाकी भाई अगर आपको कराना के साथ डिस्काउंट 40% बिल्कुल, एक एक गाय जो भी गाय लेके आते हैं ना दो सामान गिफ्ट भी और 40% डिस्काउंट भी, जितने 1 से 1.5 लाख में गाड़ी फुल्ली बेस्ट टू टॉप हो जाएगा। लो भाई 1 से 1.5 लाख के अंदर गाड़ी फुल बेस्ट टू टॉप आएगा निको भाई। एंड अगर बात की भाई मेरे को पर्सनली अच्छी लगी, आप भी कमेंट करके बताना कि आपको गाड़ी कैसी लगी, क्या कुछ आपको अपग्रेड अच्छा लगा, मेनली एम्बियंट का, रूफ का और सीट का बताना जो भी काम हुआ है। ऐसा नहीं कि खाली एम्बियंट का, रूफ का, मैंने बम्पर से लेके और लाइट से लेके मैंने सब बढ़िया लगाया, इसमें कोई हल्की क्वालिटी नहीं है, कोई हल्का चीज नहीं है जी। खाली म्यूजिक का काम नहीं है, कस्टमर नेक्स्ट 6 दिन बाद फिर विजिट करेंगे सिस्टम काम करवाने के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, लेट में गाड़ी आई थी हमारे। चलिए भाई कोई बात नहीं, सिस्टम के लिए फिर से आपके लिए वीडियो आ जाएगी या फिर रील आ जाएगी आपके लिए। एंड भाई अगर ऐसा काम कराना है तो भाई निकू भाई के पास आना है। बाकी अगर वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है।